मालदीव श्रीलंका के दक्षिण में हिंद महासागर में मौजूद खूबसूरत समुद्र तटों का एक शानदार वेकेशन स्पॉट है। मालदीव 1192 प्रवाल द्वीपों का एक प्राकृतिक द्वीप है, जहां पर्यटक सबसे ज्यादा वाटर एक्टिविटीज का मजा लेने के लिए आते हैं। वाटर स्पोर्ट्स लवर, हनीमून कपल्स के बीच और सबसे ज्यादा सेलिब्रिटीज के बीच ये देश सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन बना हुआ है। अनूठे इतिहास, संस्कृति और परंपराओं को जानने के लिए मालदीव एक बेहद ही दिलचस्प जगह है, जिसके बारे में हर एक सैलानी को पता होना चाहिए। आज हम आपको मालदीव से जुड़े कुछ मजेदार बातें बताएंगे, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहे। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा देश है, जो लगभग 1100 से अधिक छोटे छोटे आइलैंड को लेकर बना हुआ है। और मालदीव का लगभग 90% हिस्सा समुद्र के ऊपर कृत्रिम तरीके से बनाया गया है। फैक्ट नंबर 2, मालदीव की खूबसूरती बेमिसाल मानी जाती है, जिस वजह से मालदीव पूरी दुनिया में मशहूर है। फैक्ट नंबर 3, यहाँ पर स्थित रिसोर्ट को दुनिया के अन्य देशों से काफ़ी अलग और लग्जीरियस माना जाता है, और यहाँ के रिसोर्ट को समुद्र के ऊपर कृत्रिम तरीके से बनाया गया है। फैक्ट नंबर 4, यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एरोप्लेन टैक्सी का इस्तेमाल होता है, जो कि किसी भी समय के दौरान पानी के ऊपर भी उतर सकता है। फैक्ट नंबर 5, रिसोर्ट की हैरान करने वाली खूबसूरती की वजह से इस छोटे से देश में हर साल लगभग दुनिया के हर कोने से 8 से 10 लाख लोग घूमने आते हैं। फैक्ट नंबर 6, टूरिस्ट के लिए मालदीव को इस पूरे दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में माना जाता है। यही कारण है कि मालदीव की कुल इनकम का लगभग 1/3 के लिए टूरिज्म से आता है। फैक्ट नंबर 7, एक भारतीय के लिए मालदीव जाने का कुल खर्च 35 से 40 हज़ार रुपये तक आ सकता है। इसके अलावा भी भारतीय वीज़ा लेने से पहले लगभग 90 दिन तक आसानी से यहाँ घूम सकते हैं, लेकिन यह सुविधा पाने के लिए कम से कम 6 महीना पुराना पासपोर्ट होना ज़रूरी है। फैक्ट नंबर 8, मालदीव की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारे होटल को पानी के अंदर बनाया गया है, जिस वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट में कपल डिनर करते समय समुद्र का मज़ा उठा सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, मालदीव के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि मालदीव का सबसे ऊंचा स्थान भी समुद्र से सिर्फ 2.5 मीटर है ऊंचा है, इसीलिए भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों, आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।